नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता और आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल एंजॉय पप्स एंड प्लांट्स में। तो ये बहुत सारी बारिश के बाद आज ये तीसरा दिन है कि खूब अच्छी सी धूप निकली हुई है, और इस बारिश में इंसान तो क्या, ये प्लांट्स भी हमारे त्रस्त हो गए थे। शायद वेल ड्रेन सॉइल नहीं होती तो बहुत सारे इसमें ख़त्म भी हो जाते। देखिए गुलाब खिल रहा है, बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है, और ये गुड़हल में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और देखिए कितने सारे गुड़हल निकले हुए हैं, और अभी भी बहुत सारी बर्ड्स इसमें रोज़ कई सारे फूल खिल जाते हैं। बहुत बड़े पॉट में नहीं है, बिल्कुल 12 इंच के पॉट में है। और ये देखिए अलमंडा, और ये कुछ मुरझा भी गए हैं, धूप बहुत तेज है। ये एलो अलमंडा है जिसमें काफ़ी सारी फ्लावरिंग हुई है। और ये धूप के साथ साथ बहुत सारे काम भी हमारे गार्डन में है, गुड़ाई करना है और उसमें उसमें से घास वगैरह निकालनी है, और उसके बाद खाद देना। बहुत सारे काम होते रहेंगे करेंगे, लेकिन आज एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये अपराजिता भी देखिए खिल रहा है, और जो ये बारिश का हम पर असर पड़ा है आज मैं आपको उन सबको बताने वाली हूँ। इस समय देखिए दूर दूर तक हमारे घर के आसपास पानी भर गया है, और ये जो कई दिन तक तेज बारिश हुई है उसका ही असर है। बहुत ज़्यादा पानी है, ये हमारे घर के सामने करीब 1.5 फीट पानी इकट्ठा हो रखा है, और दूर दूर तक जितने खाली प्लाट आप देखेंगे सब जगह पानी ही पानी आपको दिखाई पड़ेगा, और यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि देखिए जिसको अर्जेंसी है वो निकल ही रहा है, सर्विस करने वाले जो हैं वो जा रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। अरे देखिए घर के बगल में ये खाली प्लॉट है, इसमें भी काफ़ी पानी भर गया है। जो लोग हैं वो छोड़ के चले गए हैं, और हमारे घर के आमने सामने बहुत सारे घरों के अंदर भी पानी चला गया है। मेरा घर थोड़ा ऊंचा है इसलिए बचा हुआ है। वैसे तो यहाँ इतना पानी कभी आता नहीं था, लेकिन ये जो अक्टूबर मंथ में बेहद बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई है, मतलब 21 घंटे बीच में तो ऐसा रिकॉर्ड रहा है, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, कंटिन्यूस 21 घंटे बहुत ज़्यादा बारिश। और उसी दिन से बस पानी इतना ज़्यादा था कि उसी दिन से पानी रुकने लगा था, और क्योंकि पानी कहीं से भी बह के जाता अल्टीमेटली नदियों में ही है, और जब नदी खुद ही भरी हो तो पानी जाएगा कहाँ। अब इधर देखिए मेरे घर के पीछे का इलाका है, और पूरा देखिए पानी भर गया, ये खाली प्लॉट है वहाँ पानी भर गया है, और पीछे की जो सड़क है वहाँ पर ही पानी आ गया है। ये सड़क थोड़ी ऊंची है इसलिए यहाँ पानी बाद में आया है, लेकिन मेरे घर के सामने जो सड़क है वो नीची है। तो इस तरह से अब हर तरफ से हम पानी से घिरे हुए हैं। और ये देखिए मॉस रोज, इसको हमने किनारे कर दिया था सारे खाली करने के लिए, लेकिन बारिश इतनी हुई कि उस बीच हम मिट्टी को, इसको गमले सारे पलट नहीं पाए, तो ये कोचिया और मॉस रोज अभी भी चल रहे हैं, और देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं अभी भी। ये आज ये अक्टूबर, मिड अक्टूबर ऑलमोस्ट आ गया है, और फ्लावरिंग देखिए इनमें। और देखिए ये हमारे घर के राइट साइड का व्यू है, और इधर भी प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, तो सब जगह पानी भरा हुआ है, 1.5-2 फीट से कम पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी है। और देखिए अब उधर जा रहे हैं लोग, अब जब घर में बच्चे हैं लोग हैं तो सामान की ज़रूरत पड़ती, नौकरी करने जाना ही है, तो फिर उसी हालत में लोगों को निकलना पड़ रहा है। दूर तक चारों तरफ से इस समय हम घिरे हुए हैं पानी से, कब हटेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक पांडू नदी है पनकी के पास, वो ओवरफ्लो हो रही है, और उसका पानी
इधर डाइवर्ट किया गया है या अपने आप हुआ है, और एक नहर भी है उसका पानी भी इधर आ रहा है, और ये थोड़ा लो लाइंग एरिया है तो सारा पानी यहाँ पर जमा होता जा रहा है। और यहाँ का पानी सारा नदियों में जाता था ढाल के द्वारा, लेकिन ढाल उस तरफ है, उधर देखिए एक नाला सा था उसी के द्वारा सारा पानी जाता था गंगा नदी में, लेकिन वो गंगा खुद उफान पर है तो उसका लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो पानी बिल्कुल रुका हुआ है, स्टैगनेट है। स्टैगनेट क्या, बढ़ रहा है, अभी घटने का तो कोई नाम नहीं ले रहा है। और इस स्थिति में काफ़ी लोग जिनका घर नीचे था वो जा भी चुके हैं, और अभी हम लोग तो रुके हुए हैं, देखते हैं क्या। अभी तो घर मेरा ऊंचाई पर है काफ़ी, तो बने हुए हैं, फिर देखेंगे क्या करते हैं। आज का वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ आप लोग को बताने के लिए कि पहाड़ में गिर गए हम लोग, और अब बाहर तो निकलना नहीं है, घूम फिर के गार्डन में आ जाते हैं और कुछ ना कुछ काम कर जाते हैं। तो और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी कर ही रहे होंगे, इस समय काम भी बहुत ज़्यादा होता है अक्टूबर में। और ये देखिए आपको दिखाती हूँ कोचिया, कोचिया में फ्लावरिंग हो रही है। ये हमेशा हर साल लगाती थी मैं, अब तक निकल जाता था तो मैं कभी इसके फ्लावर्स देख नहीं पाई थी, लेकिन देखिए ये फ्लावरिंग हो रही है। अब इसी से सभी में, चूँकि काफ़ी समय ये फरवरी से मार्च से लगे हुए हैं, और ये देखिए, और इसी के सीड कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उनसे ही ये कोचिया उगाया जाता है। तो चलिए, इस बारिश के कारण ये भी, इसके मैंने फ्लावर्स भी देख लिए, तो और बाहर तो निकलना हो नहीं पा रहा है, सीजनल कुछ हम सीडलिंग्स सीड्स वगैरह ला नहीं पा रहे हैं, जो कुछ घर में है उसी से उसी को ठीक ठाक कर रहे हैं, वैसे उस पर भी काफ़ी सारा काम है। देखिए कॉक्सकॉम खूब अच्छा खिल रहा है, बहुत प्यारा शेड आया है इसका, और ये भी, ये दूसरा, बहुत खूबसूरत लगते हैं प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस अपनी ही स्थिति बताने के लिए कि इस समय हमारे घर के आसपास क्या हालत है, जो कभी नहीं महसूस किया था आज महसूस हो रहा है, बाढ़ का दर्द। और उम्मीद करती हूँ कि जल्दी पानी उतरेगा, आप भी दुआ करिए कि जल्दी से पानी उतरे और हम बाज़ार जाएं और अच्छे अच्छे प्लांट्स ले आएँ, ताकि जाड़े में भी हमारी बगिया ऐसी खूब खिलखिलाती रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।